हेलो। हेलो मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम केटीवी। हमारी कल बात हुई थी अबाउट योर इंटरव्यू। हाँ बोलो सुनिया। यस मैम, यू आर ऑलरेडी ऑन द वे, वी विल रीच योर प्लेस इन 10 मिनट्स। यस आई एम रेडी, कम एनी टाइम वेलकम डियर। ओके, सी यू मैम। ओके सी यू सून। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग मेघना। ओके बाय मॉम। टिफिन रेडी हो गया है, बस ले लेना। मॉम आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है एंड आई गॉट टू गो। ओके आई एम गेटिंग लेट, बाय। ओ हो, पर मेघना सुनो तो। रॉनी रोल कर। रोलिंग। आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनकी वजह से ये साबित होता है कि दुनिया में अच्छाई अभी भी बाकी है। इस गए एक साल में उन्होंने हजारों से भी ज्यादा अनाथ बच्चों को गांव में जाके भेंट दी है। छोटे छोटे स्कूल्स में कपड़े, फंड, किताबें और तो और गांव की सारी महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसका आज की डेट में टर्नओवर लाखों से भी ज्यादा है। इस साल इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन अवार्ड इन्हें मिला है। इनका नाम है मिस आशना किर्लोस्कर। मिस किर्लोस्कर, आपका के टीवी पे हार्दिक स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और के टीवी को धन्यवाद जो आपने मुझे इस काबिल समझा। तो मैम, हमने ये भी सुना है कि आपके हस्बैंड बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। हाँ सही सुना है आप। उनकी कामयाबी उनके गई कई सालों के मेहनत का नतीजा है। दिन रात काम करते हुए उन्होंने खुद को साबित किया है। तो मैम, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके घर पे एक भी नौकर नहीं है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही। दरअसल हमारे घर में किसी दूसरों के हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, इसलिए मैं खुद ही खाना बनाती हूँ। और रही साफ सफाई की बात, तो मुझे साफ सफाई करना बेहद पसंद है। और फिर वहां से भी। Oh, I'm sorry to disturb you. Hello sir, please, आपके पास कुछ समय होगा हमारे साथ बिताने के लिए? Okay, no problem. Sure. Please. हाँ जी कहिए। तो सर, आपको मैम की इस काबिलियत पर कुछ कहना है? Why not? Of course. For me, my wife's success is the first reason to celebrate. Always. वो जो कुछ भी करती है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। She's lucky indeed. सर, आपको इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम मिलता है कुछ सोशल वर्क करने का? मैडम, क्या हम ये इंटरव्यू संडे को कर सकते हैं? एब्सोल्युटली सर, नो नो इश्यूज, इट्स फाइन, प्लीज। ओके, यू कंटिन्यू प्लीज। प्लीज, थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू। हेलो। हाँ मेघना बोलो, तुम रो क्यों रहे हो? मेघना ठीक से बताओ मुझे क्या क्या हुआ है। हाँ ओह माय गॉड, तुम अभी कहाँ हो? हाँ मैं अभी तुरंत पहुंचता हूं। ओके Don't worry, I'll be there. God. लेकिन भाभी आपने ऐसा किया क्यों? कुछ तो बताइए। लगता है तुमने फिर चोरी की। तुम सुधरोगे नहीं, दो चार फटके बैठेंगे ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अंदर डालो इसे। डैड। मेघना शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, शांत हो जाओ। ओके बैठो।
हाँ अक्षय बोलो. विजय आज मेरे पास एक कंप्लेंट आई है. एक ज्वेलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज में आज मैंने जो कुछ भी देखा है उसे देख के मैं बहुत हैरान हूँ. विजय प्लीज तुम घुमा फिरा के बात मत करो, जो भी है मुझे बताओ. अक्षय वहां एक डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है और वो चोरी किसी और ने नहीं, आशना भाभी ने. What? Yes. तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? बात को समझो अक्षय. सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड है भाभी का चोरी और ये बहुत बड़ा सबूत है. देखो तुम मेरे दोस्त हो, भाभी को मैं जानता हूँ और इसलिए अब तक मैंने केस फाइल नहीं किया. ये बात मीडिया तक पहुंची तो तुम जानते हो क्या हो सकता. देखो अक्षय मुझे पता है इस बात को तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे लेकिन यही सच्चाई है. अच्छा उस ज्वेलरी शॉप का नाम क्या है? केपी ज्वेलर्स. केपी ज्वेलर्स. एक मिनट. हेलो रंजन. हाँ मैं अक्षय किर्लोस्कर बात कर रहा हूं. हाँ मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूं. मुझे सब पता है रंजन, मुझे सब पता है. लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. देखो तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं कॉम्पेंसेट करने के लिए तैयार हूं. आई एम रेडी टू पे. ऑलराइट प्लीज ये केस फाइल नहीं होनी चाहिए प्लीज. हाँ रंजन फ्रॉम केपी ज्वेलर्स. हेलो. यस या ओके फिर. हाँ रंजन बाकी बातें मैं तुमसे बाद में करता हूँ. ऑलराइट थैंक यू. तो क्या अब मैं आशना को ले जा सकता हूँ? यस बिल्कुल जा सकता हूँ. थैंक यू. चलिए चलो मिलना. अक्षय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. मेघना तुम आशना को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूं. अक्षय मुझे लगता है कि भाभी किसी बड़ी परेशानी में. इनफैक्ट मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. मुझे लगता है तुम उनसे बात करो, शायद तुम्हें कुछ बता दें क्योंकि ये मुझे बड़ा सीरियस मैटर लगता है. अच्छा ठीक है अक्षय अब तुम जा सकते हो. हाँ लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ. एंड डोंट वरी. आशना तुम्हें किस चीज की कमी थी जो तुमने ये किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा कुछ किया. करोड़ों के गहने हैं हमारे पास फिर भी. देखो तुम्हें अगर वो नेकलेस पसंद आया था तो तुम मुझसे कहती. कुछ बोलो. तुम्हारे इस चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? अक्षय मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है. क्या हम कल इस बारे में बात कर सकते हैं? आशना प्लीज. ठीक है
लेकिन कल इस बात का जवाब मुझे चाहिए। हेलो, यस डॉक्टर, आज ओके ठीक है, मैं 8 बजे पहुंच जाता हूं। ऑल राइट। हेलो सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। एक्चुअली क्या था कि एक इम्पोर्टेंट केस के बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर मुझे बताइए, आप मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुला लिया है? बताता हूँ, बाय द वे प्लीज गो थ्रू दिस पेपर्स। आशना किर्लोस्कर? जी हाँ। मिस्टर अक्षय, प्लीज वॉच। एक नॉर्मल आदमी के ब्रेन का फ्रंट पार्ट है और ये आशना जी के ब्रेन का फ्रंट पार्ट। गौर से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वो चीज है जो इंसान को कोई चीज करने या न करने से रोकती है। और ये आशना जी के केस में ये जो फ्रंट साइड के अंदर का जो नर्व ट्रैक फाइबर है वो उतना घना नहीं है जितना नॉर्मली होना चाहिए, और यही गलत काम करने से पहले हमें रोकता है। मिस्टर अक्षय, ये जो एबनॉर्मलिटी है, आप इसे विकृति कह सकते हैं, मेडिकल साइंस में इसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। व्हाट? यस, क्लेप्टोमेनिया। आपकी बीवी यानी आशना जी इसका शिकार बन चुकी है और पिछले 1 साल से इसी बीमारी का इलाज करवाने वो यहां आती है। याद करके बताइए मिस्टर अक्षय, आपको कोई पुरानी बात याद आ रही है? मेरा मतलब है शादी की, आपके घर की, या कुछ खो जाने वाली बात? यस हाँ, एक बार हमारे घर में पार्टी थी। अच्छा, और उस पार्टी में किसी का रिस्ट वॉच गायब हो गया था, खो गया था, और वही रिस्ट वॉच दूसरे दिन सुबह मुझे आशना के कबर्ड में मिला। ओह माय गॉड, इसका मतलब आशना। फिर तो आपको शादी वाली भी बात याद आ रही होगी? नहीं, मतलब आशना जी की एक फ्रेंड की शादी में आप गए थे और वहां से आप घर के लिए जल्दी निकल पड़े थे। हाँ, तब आशना की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको कोई वाकिया, कोई इंसिडेंस याद आ रहा है? हाँ, और तब आशना ने वहां से एक साड़ी ली थी और मैंने उसे पूछा था कि ये साड़ी कहां से ली, तो उसने कहा था कि शादी में उसे मिली है। आई एम सॉरी मिस्टर अक्षय, लेकिन वो साड़ी आशना जी ने चुराई थी। व्हाट? जी हाँ, जब तक बात वहां तक सीमित थी, मैंने आपको
बताना उचित नहीं समझा, लेकिन जब कल रात उन्होंने फोन करके मुझे ज्वेलरी शॉप की वो घटना बताई तो मैं भी अचंभित रह गया। और तभी मैंने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है आपको इस बीमारी के बारे में बताने का, इसीलिए मैंने आपको कॉल करके यहां बुलाया। डॉक्टर, क्या इसका कोई भी इलाज नहीं है? मिस्टर अक्षय, आपको डराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक आशना जी का सवाल है, उन्हें बहुत सारी जरूरत है अपनों का साथ मिलने की, उनका प्यार मिलने की। मिस्टर अक्षय, अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि आशना जी इस बीमारी से बाहर आए, वो खुश रहे, तो आपको अपना कीमती समय उनके लिए देना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो आपके पास बिल्कुल है नहीं। मिस्टर अक्षय, am I right? डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑल राइट, यू आर वेलकम। तुम बोल देती हो। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पर this time I'm not good for it. Yes, please, याद रखना, okay? Done. अक्षय, अरे आप दोनों यहाँ हो? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? और मेघना, तुम्हें कॉलेज नहीं है? नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ। वो देखो। Ready, sir? Yes, of course. एक question पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। जी, पूछिए। आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैंने आज तक जितने भी काम किए, जो भी काम किए, वो शायद मैंने किए होंगे, लेकिन जिनके लिए मैंने वो काम किए, वो लोग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, ढेर सारा पैसा कमा ले, नाम कमा ले, लेकिन अपनी खुशी बांटने के लिए, अपना सुख बांटने के लिए आपके अपनों का होना बहुत जरूरी होता है। और मुझे पता है कि आज मेरी कामयाबी से ज्यादा खुश मेरी वाइफ आशना और मेरी बेटी मेघना होंगे। मुझे इस बात का बहुत गर्व है मैडम कि आज मुझसे भी बड़ा काम मेरी वाइफ आशना कर रही है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, लेकिन मेरी वाइफ आशना जैसे बहुत कम है। एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आशना, एंड आई रियली लव यू सो वेरी मच।